उनकी लीलाओं के बारे में जानना चाहेंगे हम आपसे। आइए अब जानते हैं रामापीर की लीलाओं के बारे में, जिन्हें पर्चा कहा जाता है, तो उन पर्चों के बारे में। सबसे पहला जो पर्चा है, गुजरात हो, राजस्थान हो, मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, सब रामापीर के भगत थे। कुछ तो होगा, तभी तो भक्ति है। ऐसे ही तो कोई किसी को नहीं पूछता। स्वार्थी हैं हम तो मानव, कुछ मिलता हो वहीं पे हम जाएंगे, हर कहीं नहीं चले जाते हैं, समझदार हैं हम। तो कुछ तो है रामापीर में, तभी तो करोड़ों की संख्या में भक्त हैं उनके। तो बाल लीला में माता को पर्चा सुनिए। रामापीर ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू कर दी। भगवान के रूप थे, भगवान स्वयं द्वारकाधीश थे। एक दिन भगवान रामदेव और विरमदेव अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मैनादेव उन दोनों बालकों को निहार रही थी। इतने सुंदर थे, उनके रूप को देखते ही बनता था निहार रही थी। और सुबह का समय उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। दासी गाय का दूध निकालकर लाई और माता मैनादे के हाथों में बर्तन देते हुए बाल जो दोनों रामदेव और उनके भाई थे, उनकी जो वो खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, उस क्रिया में रम गए। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे के ऊपर चढ़ाने के लिए चली जाती है। माता जो ही दूध को बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ाती है, उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए वीरमदेव जी के गाल पर एक चुमटी भरती है। वीरमदेव जी को क्रोध आ जाता है और वीरमदेव जी बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मार देते। भाई भाई का झगड़ा, जिसको अपन कहते हैं बचपन में एक दूसरे को धक्का देना, तो रामदेव जी गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज सुनकर माता मैनादे दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर चली आती है। रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है, उफड़ने के कारण गिरने लगता है। माता मैनादे जो ही दूध गिरता हुआ देखती है, रामदेव जी को गोदी से नीचे उतारना चाहती है, लेकिन वो उतरते ही नहीं है। चमत्कार देखिए, रामदेव जी अपना हाथ दूध की तरफ बढ़ाते हैं और वह हाथ जैसे कोई भूत का हाथ बढ़ रहा हो, ऐसे हाथ बढ़ते बढ़ते उस बर्तन को चूल्हे से नीचे धर देते। घबरा जाती है मैनादे माता चमत्कार देखकर। वहां बैठे अजमल जी महाराज और दासी सभी द्वारकानाथ